मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चूड़ामणि कृत विधोर बलै कृत वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। ओम शांति शांति शांति। नूतना जलधर रुचये गोप बधूटी दुकुल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महि रुहस्य वीजाय। शांति शांति। नारायण। तो हाँ बोलो जी। गुरुजी ओम नमः। हाँ सुना दे रहा है ना जी। हाँ ठीक है। तो नव्य नायक लोग मंगल का कार्य है विघ्न ध्वंस। मंगल का कार्य विघ्न ध्वंस है। ग्रंथ की समाप्ति किससे होगी? प्रतिवादी से हो जाएगी। बुद्धि प्रतिवादी से। समझ में ना? अच्छा तो इसमें कहा कि भाई व्यभिचार दोष दिया ना, स्वतः सिद्ध जो विघ्न विरह वाला है उसे मंगल करेगा तो मंगल तो निष्फल हो गया, विघ्न का अभाव तो हुआ नहीं। Okay, तो क्या हुआ वहाँ पर? कारण है और कार्य नहीं हुआ, अन्न व्यभिचार हो गया। तो क्या उत्तर दिया? इष्टपत्ति। क्योंकि विघ्न संख्या 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 तदाचरणात्। समझ में कि नहीं? अरे भाई विघ्न हो तो ना विघ्न का ध्वंस होगा। विघ्न हो तब तो जा करके विघ्न का ध्वंस होगा। समझ में कि नहीं? लेकिन जो है प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? शंका होने पर भी। इसलिए प्रवृत्ति का है तो क्या कहा आप लोगों को? संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानम। समझ में कि नहीं? चाहे विघ्न का संशयात्मक ज्ञान हो चाहे निश्चयात्मक ज्ञान हो प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए प्रवर्तकम किम? संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानम, ये हो जाएगा। आए समझ में? तो इसी प्रकार से तथैव शिष्टाचारात्, शिष्टजनों की जो कृति होती है इसी प्रकार होती है ना? शिष्टजनों की कृति कहाँ रहेगी? मंगल में रहेगी कि नहीं? किस संबंध से? विषयता संबंध से। किस संबंध से रहेगी? विषयता संबंध से। ठीक है, लेकिन अर्थ तो बाधित हो गया। मंगल में जो है ना, बाधित अर्थ बोधकत्व हो गया ना। है मंगल में विघ्न ध्वंस जनकत्व नहीं रहा है क्या? विघ्न का ध्वंस नहीं हुआ, मंगल किया। ऐसा में ना, तो मंगल में क्या आया? विघ्न ध्वंस जनकत्व आया नहीं आया? तो बाधित अर्थ को यदि बोध कराएगा वेद तब क्या आया वेद में? अप्रामाण्य की शंका आ जाएगी। ये शंका कहाँ ना देखो, न च तस्य निष्फलत्व तद्बोधक वेद अप्रामाण्य आपत्ति इति न च वाच्यम। क्या उत्तर दिया? सति विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बहितत्व। वेद यही बोध करता है। अरे विघ्न यदि हो तो क्या होगा? विघ्न का नाश होगा। अच्छा मैं कि नहीं? ठीक है, क्योंकि प्रतियोगी तया विघ्न ध्वंस के प्रति क्या है? विघ्न कारण होगा कि नहीं होगा? सब कुछ रखा है कि नहीं? उनमें से एक यदि कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होता है। इतने मात्र से कार्य के प्रति वो कारण नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, है?
दंड नहीं है, घट नहीं बनता है, हैं? इतने मात्रा से मृत्यु का घट के प्रति कारण नहीं है क्या? कारणता तो रहेगी आगे कि नहीं, ऐसे होता है। इसलिए कहा आगे, अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तत्बोधक वेद अप्रामाण्यम। ये देखो लिख दिया है कि नहीं। अतएव का अर्थ क्या है बोलिए? नाश के प्रति प्रतियोगी होता है कारण, ये अतएव का अर्थ है। नाश रूपी कार्य के प्रति स्व प्रतियोगी क्या होता है? कारण होता है। ये तो सिद्धांत है ही, सबको मानना पड़ेगा इसलिए जो है किसी को पाप का भ्रम हो गया, उससे किया गया जो प्रायश्चित निष्फल होने पर भी उसको उसको बोध कराने वाला वेद प्रामाण्य होगा कि अप्रामाण्य? प्रामाण्य, अप्रामाण्य होगा, ऐसी बात नहीं आगे समझ में ठीक है भाई, चलो ऐसा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रोग नहीं है, दवाई खा लिया, रोग जाएगा नहीं जाएगा ना, फिर भी औषधि नहीं कहोगे उसको? रोग के प्रति हेतु तो है वो, मतलब रोग निवर्तकत्व तो रहेगा, फिर भी औषधि तब ने कही जाएगी आएगी नहीं समझ में ये कहने का अभिप्राय। इसी प्रकार वेद में प्रामाण्य तो रहेगा, प्रामाण्य नहीं रहेगा कैसे कहोगे? बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं। दवाई खरीद के रखते हो, शंका क्यों? दवाई क्यों खरीद रखते हो? यात्रा में जाते हो तो दवाई लेकर क्यों जाते हो भाई पेट खराब हो जाएगा, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं है कि नहीं, लेकर तो जाते हो ना। चलिए तो पेट खराब नहीं होता, खा लेगा तो उल्टा असर हो जाएगा ना गुरु जी। क्या है? अगर रोग नहीं है, दवाई खाएगा तो उल्टा असर हो जाएगा ना। हाँ तो उल्टा असर का वो उसी का भी हेतु हो गया, वो उसी का भी हेतु हो गया ना, क्या आपत्ति हो गई चलो अरे भाई तुमको ज्ञान नहीं है ना, है तो ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, क्या ज्ञान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो बैठ के पास जाता है ना, क्या है ज्ञान के लिए बैठ के पास जाता है ना, जाता है तो क्या आपत्ति हुई? मंगल करेगी नहीं करेगी? हाँ तो क्या आपत्ति हुई तुमको फिर भी उसको, अरे सुनो भाई, फिर भी उसको औषध नहीं कहोगे क्या? तुमको उल्टी, अरे सुनो भाई, तुमको उल्टी हो गई तो कंपनी को लिखोगे कि ये औषध नहीं है करके? तो फिर तुमको रिएक्शन हो गया तो कंपनी को लिखोगे कि औषधि बेकार है? बोलो तो कि तुम थाना में जाओगे, केस करोगे कि औषधि नहीं है करके? बोलो है कि नहीं भैया? ऐसा है, ये तो औषधि की बात होगी, दृष्टांत है हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मंगल करोगे तो कोई ना कुछ भी फल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। विघ्न तो विघ्न चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा? पुण्य होगा। वेद में एक वर्ण भी क्या है? व्यर्थ नहीं होता है। जैसे पाणिनि सूत्र वगैरह होता है कि नहीं, उसमें कुछ अक्षर होते हैं जिसका अर्थ नहीं होता है। हाँ, जिसका अर्थ नहीं होता, फिर क्यों लिखा? कि पाणिनि मूर्ख है क्या? हम लोगों को ज्ञान है और पाणिनि को ज्ञान नहीं था। महावास्य का लिखते हैं पुण्य के लिए, क्या होता है? एक वर्ण भी व्यर्थ नहीं है, जैसे पाणिनि सूत्र में। ये तो वेद है, वो तो पुरुष ही है आगे समझ में, ऐसे मानते हैं। चलो भैया, कुछ ना कुछ फल तो होता है, कुछ ना कुछ फल तो होता है, आगे समझ में। विशेष फल क्या हो गया? विघ्न ध्वंस, मंगल का विघ्न यदि हो तो विघ्न का ध्वंस हो जाएगा, नहीं तो पुण्य तो होता ही है। आगे रामेश्वर, ऐसा होता है ठीक है। एक कारण से कई कार्य हो जाता है,
एक मुख्य फल होता है और एक गौण फल भी होता है। एक मुख्य फल भी होता है, एक गौण भी फल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। आगे कि नहीं आगे, ऐसा होता है। चलो अच्छा आगे बढ़े। मंगलम च विघ्नध्वंस विशेषे कारणम, विघ्नध्वंस विशेषे च विनायक स्तव पाठादि, है ना। तो देखो ऐसा होता है ना, कोई कोई जो है विघ्नध्वंस होता है मंगल से हो जाता है, हैं ये रामेश्वर पहले पूछा था। और कोई कोई विघ्नध्वंस पाठ से भी हो जाता है। किससे हो जाता है? पाठ से भी हो जाता है, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? तो व्यभिचार हो गया ना, फिर दूसरे कारण से भी विघ्नध्वंस हो गया। केवल मंगल से तो नहीं हुआ, केवल विघ्नध्वंस का कारण मंगल, मंगल कैसे कहोगे? दूसरे कारण से भी तो विघ्नध्वंस हो रहा है। आगे इसलिए क्या करेंगे, तत्त्व कारण मानना पड़ेगा, है ना। इसलिए मंगल जन्य विघ्नध्वंस के प्रति मंगल क्या हो जाएगा? कारण विशेष हो गया, विशेष हुआ ना। देखो विघ्नध्वंस विशेष मतलब क्या हुआ? मंगल जन्य विघ्नध्वंस प्रति मंगलम कारणम। इसी प्रकार से विनायक स्तव पाठ आदि कह दिया, हा? कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, है कि नहीं। तो तजन्य ध्वंस के प्रति विनायक स्तव पाठ जन्य ध्वंस के प्रति विघ्न ध्वंस, ये हाँ हाँ नहीं ये क्या बोल दिया, हाँ विनायक स्तव पाठ जन्य विघ्न ध्वंसम प्रति विनायक स्तव पाठ कारणम, ये हो जाएगा। ऐसा मान लो उपलक्षण और भी है, समझ में कि नहीं। हाँ इसी प्रकार मान लीजिए, हो गया ना भाई, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा देखो, अब क्या है, देखो कहते हैं कि जो स्वतः सिद्ध विघ्न, जहाँ पर विघ्न का अभाव है कि नहीं। हाँ जहाँ पर विघ्न नहीं है, स्वतः सिद्ध विघ्न का अभाव है, हो गया ना। वहाँ पर क्या है, विघ्न ध्वंस है क्या? विघ्न है ही नहीं, तो विघ्न ध्वंस का क्या हो? मंगल क्या ना, मंगल क्या विघ्न है वहाँ पर, तो विघ्न का ध्वंस स्वतः सिद्ध ही हो, समझ में कि नहीं। आ गया। इसलिए वहाँ पर क्या है, देखो तो समाप्ति का साधन क्या मानते हैं आप लोग? प्रतिबंध का अभाव मानते हो ना, कौन? विघ्न ध्वंस मानते कि नहीं मानते? तो वहाँ पर विघ्न ध्वंस है नहीं है, लेकिन ग्रंथ की समाप्ति हुई कि नहीं हुई, बोलो। ग्रंथ की समाप्ति हुई कहाँ पर? हाँ जो स्वतः सिद्ध विघ्न अभाव वाला पुरुष है, समझ में कि नहीं, हो गया ना। तो वहाँ पर क्या है कि ग्रंथ की समाप्ति तो हो गई, और समाप्ति का साधन तो है ही नहीं। समाप्ति का साधन क्या है? विघ्न का ध्वंस। विघ्न है ही नहीं, तो विघ्न का ध्वंस क्या होगा? मंगल किया और विघ्न का ध्वंस हुआ, बोलिए, नहीं हुआ ना, ठीक है। लेकिन ग्रंथ की समाप्ति हुई कि नहीं हुई? तो व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, हो गया ना। अच्छा आओ 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 आओ। कर्नाटक से? कर्नाटक से हाँ हाँ बात हुई थी पहले, हाँ हुई थी हुई थी। पूछ रहे हैं क्या? हाँ बात हुई थी हुई थी। हाँ आए हाँ किधर दे दीजिए, कहीं मिला करके मिसा अकेले तो दे नहीं सकते ना किसी।
हाँ दे दीजिए, ठीक है, बात हुई थी है? हुई थी हाँ। ठीक है, अच्छा भैया, हो गया, हाँ ऐसे होता है। हाँ तो क्या हो गया फिर, यहाँ पर व्यभिचार हो गया, इसका उत्तर दे रहा भैया, क्वचित च कहीं कहीं विघ्न अत्यंता अभाव एव समाप्ति साधनम। क्या कह रहे हैं, वहाँ पर विघ्न का अत्यंत अभाव है कि नहीं, यहाँ पर किसका, हाँ कहाँ पर, जो स्वतः सिद्ध विघ्न का अभाव जहाँ पर है कि नहीं, तो पुण्यवान है, कोई विघ्न है ही नहीं, समझ में ना, स्वतः सिद्ध विघ्न का अभाव है, बोला अत्यंत अभाव है, वहाँ पर कारण कौन हो जाएगा ग्रंथ समाप्ति के प्रति, विघ्न का ध्वंसा, विघ्न का ध्वंसा भाव नहीं मानना है, विघ्न का अत्यंत अभाव मान लो, आगे समझ में है ना, इसलिए ग्रंथ समाप्ति के प्रति विघ्न का ध्वंसाभाव कारण हुआ कि विघ्न का अत्यंत अभाव कारण हुआ, कारण है कार्य भी है तो व्यभिचार नहीं हुआ, वहाँ पर विघ्न ध्वंस कारण नहीं है, क्योंकि है ना विघ्न तो है नहीं, तो विघ्न का ध्वंस कहाँ से होगा, लेकिन विघ्न का अत्यंत अभाव कारण है, हो गया, इसलिए व्यभिचार नहीं हुआ, बात समझ में आई, हाँ इसलिए व्यभिचार का निराकरण करने के लिए जो जहाँ पर स्वतः सिद्ध विघ्न का अभाव है ना, तो वहाँ पर विघ्न का ध्वंस न होने पर भी विघ्न का क्या है, अत्यंत अभाव है, इसलिए ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी, तो समाप्ति का साधन है कि नहीं है, कौन हुआ, विघ्न का अत्यंत अभाव हो गया। अच्छा अब एक बात कहते हैं, देखो आपने जो ये कहा, क्या कहा, देखो हैं कि जो है कहीं समाप्ति का साधन जो है विघ्न का ध्वंस, कहीं समाप्ति का साधन क्या है विघ्न का अत्यंत भाव, क्योंकि अनुगम तो नहीं हुआ ना, अनुगम कोई कारण नहीं हुआ, कार्यता अवच्छेद कोई धर्म तो हुआ नहीं, ऐसे समझे कि नहीं, क्या कार्यता का अवच्छेद को कोई अनुगत धर्म तो हुआ नहीं ना, इसलिए क्या होगा, अनुगम हो गया, अनुगम नहीं हुआ अनुगम हो गया, आगे समझ में, कारण अनुगत होना चाहिए, सभी कारण में जो धर्म रहेगा तब तो उसको अनुगत धर्म को अवच्छेदक धर्म कहा जाएगा, आया कि नहीं आया, आया, जैसे घटत्व अवच्छिन्न घटम प्रति मृतिकात्व, हाँ मृतिका अवच मृतिका निष्ठ अवच्छेदक धर्म क्या होगा, मृतिकात्व, दंडनिष्ठ कारणता अवच्छेदक धर्म दंडत्व, है कि नहीं आया, इसलिए कोई अनुगम बताना चाहिए, आ गया कि नहीं आ गया, है ना, क्योंकि कारण किसको मानते हैं समाप्ति के प्रति, विघ्न का अभाव को मानते हैं, है ना, इसलिए विघ्न अभाव निष्ठ कारणता अनुगत धर्म क्या होगा, अवच्छेदक धर्म क्या मानते हो आप, विघ्न के अभाव को तो मानते हैं कारण है, लेकिन कौन सा मानते हैं, विघ्न ध्वंसाभावत्व मानते हो कि अत्यंत भावत्व मानते हो कि प्राग भावत्व मानते हो, तीनों कारण है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, कहीं विघ्न का प्रागभाव है, ग्रंथ की समाप्ति होगी हो जाएगी, आगे विघ्न होगा, ग्रंथ समाप्ति होगी आगे विघ्न हो, है कि नहीं, ये विघ्न, हाँ ठीक है, विघ्न की विघ्न का भी प्रागभाव है, विघ्न हुआ नहीं अभी, ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी, तो वहाँ पर विघ्न का प्रागभाव क्या हुआ, कारण हुआ, अच्छा कहीं विघ्न का ध्वंस हो गया, कारण हो, कारण है कार्य हो जाएगा, हाँ कहीं कहीं विघ्न का अत्यंत अभाव है, ग्रंथ की समाप्ति कार्य हो जाएगा है कि नहीं, लेकिन कौन अनुगम कौन है, अनुगम तो नहीं हुआ ना, ये तीनों हो गई है,
हाँ, इले कोई अनुपम कारण बताओ ग्रंथ सम। हाँ, अवच्छेदक धर्म बताओ। आ गया? तब ऐसा होने पर कह रहे हैं, देखो हैं, ये कह रहे प्रतिबंधक संसर्गा भावस्यैव कार्य जनकत्वात्। देखो क्या बोलते हैं रामेश्वर, सुन रहे हो? आवाज आ रही है ना? हाँ, देखो कहते हैं कि कार्य के प्रति कारण मानते हो प्रतिबंधक का अभाव को। बंद कर दीजिए अभी, थोड़ा सा बंद कर सकते ना। देखो भाई, प्रतिबंधक के अभाव को कारण मानते हो कार्य के प्रति कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना, ठीक है। तो देखो, तो प्रतिबंधक का अभाव, प्रतिबंधक क्या है? विघ्न। विघ्न का अभाव तो हो जाएगा, लेकिन क्या कहेंगे हम? प्रतिबंधक हो गया विघ्न, विघ्न का संसर्गा भाव को हम कारण मान लेंगे। क्या मान लेंगे? विघ्न संसर्गा भाव। संसर्गा भाव कितने होते हैं? क्या क्या है? राग भाव, धंसा भाव, अत्यंत भाव, तीनों को कहते हैं संसर्गा भाव। आपको भी याद हो गया? बढ़िया। सुने हैं, है ना? तो संसर्ग भावत्वम कहाँ रहेगा? तीनों में रहेगा? नहीं रहेगा, रहेगा। इसलिए समाप्ति, ग्रंथ समाप्ति रूपी कार्य के प्रति विघ्न संसर्ग भाव हो जाएगा कारण। इसलिए विघ्न संसर्ग भावत्व न कारण हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, किसके प्रति? ग्रंथ समाप्ति रूपी कार्य के प्रति। हाँ, हो गया। हाँ, ये बोलते हैं यहाँ पर प्रतिबंधक संसर्ग भाव कौन कौन है भैया? प्राग भाव भी है, प्रध्वंसा भाव भी है, और अत्यंत भाव है। कहीं विघ्न का प्राग भाव है तो भी ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है, कहीं ध्वंस हो तो वहाँ पर भी हो जाती है, कहीं अत्यंत भाव हो वहाँ पर भी हो जाएगी ग्रंथ की समाप्ति। एक नाम, हाँ भाई, संसार का भाव बोल दिए। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। इसलिए क्या हुआ, संसार का भाव कहने से संसार का भावत्व ना संसार का भाव हो जाएगा कारण। क्या हो जाएगा? संसार का भावत्व ना संसार का भाव हो जाएगा कारण। किसके प्रति भूमा चेतन जी? ग्रंथ समाप्ति रूपी कार्य के प्रति। हो गया ना? और विघ्न संसर्ग ऐसा होने से क्या होगा? व्यभिचार नहीं होगा। व्यभिचार था कहाँ पर? व्यभिचार था ना, व्यभिचार था कि नहीं? हाँ, कहीं केवल प्राग भाव कहेंगे तभी व्यभिचार हो जाएगा, कहीं प्रध्वंसा भाव कहेंगे वहाँ पर व्यभिचार हो जाएगा, अत्यंत भाव जहाँ पर है वहाँ पर जो है क्या प्रभाव रहेगा? नहीं, प्रभाव के अधिकरण में, ध्वंसा भाव के अधिकरण में अत्यंत भाव नहीं मानते हैं। हैं, प्रभाव के अधिकरण में, ध्वंसा भाव के अधिकरण में क्या नहीं मानते हैं? अत्यंत भाव मानते नहीं। आगे समझ में? ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक साधन होता है विघ्न भाव कुट। क्या है ये जो आपने कहा ना, संसार का भावत्व न कारण कहा ग्रंथ समाप्त, लेकिन विघ्न भाव कुटत्व नहीं समझना है कि सभी विघ्न एक साथ रहेंगे। प्राग भाव भी रहेगा, प्रध्वंसा भाव भी रहेगा, अत्यंता भाव भी रहेगा, ऐसा नहीं। आगे समझ में? इसलिए क्या समझ रहे हैं? तत्त विघ्न भावत्व न कारणता। क्या है? तत्त विघ्न भावत्व न कारणत्व। तत्त विघ्न करने से कहाँ हुआ? कहीं प्रागभाव हो तब भी ग्रंथ की समाप्ति, कहीं ध्वंसा भाव हो तब भी विघ्न की समाप्ति, और कहीं अत्यंत भाव हो तब भी। तीनों एक साथ रहे तब जाकर के ग्रंथ की समाप्ति ऐसा मिलेगा नहीं कहीं। आगे समझ में? आगे कि ना आगे? ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है ना? तब तो असंभव हो जाएगा। क्या?
हाँ विघ्ना भाव कुटत्व न यदि मानेंगे तो असंभव, तीनों एक साथ तो रहेंगे नहीं। क्या तीनों एक साथ रहेंगे? विघ्न ये प्रागभाव कब तक रहता है? प्रागभाव कब तक रहता है? हाँ उत्पत्ति होने तक, है उत्पत्ति होने तक क्या रहेगा? घट की उत्पत्ति होगी तो घट का प्रागभाव रहेगा नहीं रहेगा, एक साथ कहाँ से रहेंगे? प्रागवा भी और ध्वंसा भी हो कहाँ रहेगा? नहीं हो सकता ना, आगे समझ में कि नहीं? इसलिए यहाँ पर है ना कुटत्व ना विघ्न भाव कुटत्व ना नहीं समझना है, नहीं तो असंभव हो जाएगा ना। क्योंकि विघ्नों का प्रागभाव भी हो और विघ्न का ध्वंसा भी हो, विघ्न का अत्यंत भाव भी हो, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है अच्छा। प्रतिबंधक संसर्गाभाव कार्य जनकत्व। अच्छा भाई देखो, पहले व्यभिचार दोष दिया था ना नास्तिक आदि ग्रंथ में, है तो नास्तिक आदि ग्रंथ में जो है ना ग्रंथ की समाप्ति होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? तो वहां पर क्या है, विघ्न का ध्वंस है, तो विघ्न का ध्वंस हुआ क्या वहां पर? कहाँ विघ्न का ध्वंस हुआ? विघ्न ही नहीं तो विघ्न का ध्वंस कहाँ से हुआ? मंगलाचरण किया नहीं है तो विघ्न का कहाँ ध्वंस हुआ बताइए? कहाँ विघ्न का ध्वंस हुआ? ग्रंथ की समाप्ति हो गई ना, ग्रंथ की समाप्ति हो गई तो वहां पर व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा व्यभिचार हुआ? कारण नहीं है और कार्य हो गया, तो कौन सा हुआ व्यभिचार? व्यतिरिक व्यभिचार हुआ ना, मंगल किया ना विघ्न का ध्वंस हुआ, फिर भी ग्रंथ की समाप्ति होगी कि नहीं होगी? तो क्या दोष हुआ? व्यतिरिक व्यभिचार पहले कहा था, कहा था कि नहीं? उसका यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं समाप्ति में। इत्थम च नास्तिकादीनां ग्रंथेषु जन्मांतरिया मंगल जन्या दुरित ध्वंस। ये देखो भैया, अरे भाई देखो, ग्रंथ की समाप्ति इस जन्म में हुआ, अरे पूर्व जन्म में क्या है, मंगल कर लिया था क्या? आपने पूर्व जन्म को थोड़ी देखा है। पूर्व जन्मांतरिया मंगल किया, क्या किया है? मंगल किया, अरे मंगल जन्य क्या हो गया? दुरित ध्वंस हो गया, मंगल है विघ्न का धन, दुरित पाप विघ्न उसका ध्वंस हो गया। इसलिए क्या है, कारण रहा कि नहीं रहा? कारण हो गया ना, कार्य हो जाएगा। आत्मा तो वही है कि दूसरी आत्मा है? आत्मा तो वही है। कौन? हाँ हाँ भाई, और क्या, आत्मा तो वही है ना, समझ में कि नहीं? ठीक है भाई, जो नास्तिक मेरा पूर्व जन्म नहीं हुआ है, न मानने पर भी क्या वो पहले आत्मा नहीं थे? मानना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आया? हाँ, जैसे आप स्वप्न में जा रहे हो, मान लीजिए स्वप्न में, आज स्वप्न में क्या मान रहे हो, मैं भूखा हूँ, तो भ्रांति है कि नहीं? फिर भी पेट भरा कि नहीं भरा है? अरे उसमें भूखा आप समझ रहे हो, फिर भी पेट तो भरा है कि? तो मान लेने से क्या भूखा हो जाएंगे आप? इस अगर भ्रांति से मान लिया कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, फिर भी तो है ना, मैं पहले नहीं था बोल रहे हैं ना, पहले मैं नहीं था, नास्तिक लोग मानते कि नहीं? पूर्व जन्म को है ना, पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, न मानने मात्र से आत्मा नहीं थे कैसे आप सिद्ध करोगे? आप समझे कि नहीं? चलो अच्छा भैया, इसलिए क्या है, व्यभिचार नहीं हुआ, व्यभिचार नहीं हुआ ना, है नास्तिक आदि ग्रंथों में भी कोई व्यभिचार नहीं हुआ। पकड़ में आया अवैतानंद जी? देखो इत्थम च नास्तिकादीनां ग्रंथेषु जन्मांतरिया मंगल जन्या दुरित ध्वंसः। कारण है, कार्य हो गया, कोई व्यभिचार नहीं है। अच्छा देखो, फिर भी गौरव दोष तो होगा, कभी दुरित ध्वंस की कल्पना करते हो है कि नहीं? आ दुरित ध्वंस का जनकीभूत जो मंगल की कल्पना करते हो तो गौरव दोष हो गया ना, ग्रंथ की समाप्ति होगी, इसलिए आप किसकी कल्पना करते हो? दुरित ध्वंस की कल्पना करते हो, नहीं करे नहीं किया? पहले विघ्न ध्वंस
हो गया। अरे विघ्न ध्वंस कब होगा? पहले कभी मंगलाचरण किया तो कल्पना करनी पड़ी ना, विघ्न ध्वंस की कल्पना करते हो, विघ्न ध्वंस का जाने को भूत मंगल की भी कल्पना करते हो, है तो दो दो की कल्पना कर रहे हो कि ना, तो गौरव हो गया। आप सुन में ना, ये युक्ति से कहते हैं, देखो ऐसा मान लो भाई, स्वतः सिद्ध विघ्न अत्यंत भाव को ही मान लो, क्या आपत्ति होगी? क्या विघ्न का अत्यंत भाव कैसा है? स्वतः सिद्ध है, विघ्न है ही नहीं वहाँ पर, है सुनते हो कि नहीं? इसलिए क्या हो गया, विघ्न का अत्यंत भाव तो प्रतिबंध का अभाव है ही, वो क्या प्रतिबंध का अभाव है कि नहीं? तो प्रतिबंध का अभाव है तो कार्य हो गया, बस इनको कहना। इसलिए न व्यभिचार, इसलिए कोई व्यतिरिक्त व्यभिचार नहीं है, क्योंकि विघ्न का अत्यंत, विघ्न का ध्वंस को क्यों मान रहे हो यहाँ पर? विघ्न का अत्यंत भाव को ही मान लो, बस ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, आप पुण्यात्मा और क्या, पुण्यात्मा तो ही मानना पड़ेगा और क्या। अरे बहुत कुकर्म बहुत सारे लोग करते हैं, फिर भी जो है बड़े सुखी से कोई रहता है, लेकिन आगे भोगेगा वो, लेकिन अभी जो भोग रहा है सुख पूर्व का वो भोग रहा है। हाँ, आप समझ में कि नहीं है? ऐसा होता है ना, ये विचार नहीं करते भाई, पहले कमाया हो, पुण्य कमाया है, भले अभी पाप करता है, लेकिन पहले पुण्य का वो भोग रहा है ना वो। आप समझ में कि नहीं? ऐसा होता है, ठीक है भाई। ऐसे होते हैं कि भाई कोई मान लीजिए बहुत पैसा कमाया है, बैंक में रखा है, उसका मजे से खा रहा है, अभी कोई जो है पुरुषार्थ नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, फिर मजे भी खाता है कि नहीं? क्यों खाता है? तो बैंक में रखा है पैसा, अच्छा ख़त्म हो जाएगा तो आगे फिर रोएगा कि नहीं रोएगा? ऐसा होता है। इति प्राहु, प्राहु का कर्ता कौन बताइए? प्राहु का कर्ता कौन? कहाँ है? नव्यास्तु सबसे पहले था, नव्यास्तु इति प्राहु, नव्यास्तु। और प्राहु को छोड़ देंगे तो बीच का किसने बोला? ये सब नव्य नायक ने कहा, नव्य नायक का हो गया, हो गया ना, नव्य लोग ऐसा मानते हैं, हो गया भाई, ऐसा बोलते हैं। इसलिए मंगल का कार्य क्या है? विघ्न ध्वंस, ये लोग मानते हैं, हो गया ना। आ ग्रंथ की समाप्ति बुद्धि प्रतिवादि से होती है, हो गया ना भाई, ये समझ करके रख लो भैया, है ना। तो वास्तविकता तो ये समझ के रखना चाहिए, जहाँ पर मंगल होने पर भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है कि नहीं, वहाँ पर भी विचार कर सकते हो, जहाँ पर मंगल करने पर भी कहीं कहीं ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है, हाँ समझ में है ना। लेकिन वहाँ पर क्या है, बाद में फिर कभी विघ्न आ गया, मंगल से विघ्न ध्वंस हो गया, ठीक है, अब ग्रंथ लिखने जा रहे हो और कभी फिर विघ्न आ गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है, बाद में भी तो विघ्न आ सकता है। मंगल करने के बाद अब समझ में कि नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, विघ्न ध्वंस तो होता है, ऐसी बात नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे फिर कभी विघ्न आ जाता है। आप समझ में कि नहीं? वहाँ पर क्या होता है, समाप्ति जो नहीं होती है वहाँ पर, वहाँ पर विघ्न बहुत है, क्या मानना चाहिए? विघ्न बहुत है मान लो, अथवा मंगल करने के बाद भी फिर विघ्न क्या है, आ जाता है, नहीं समझ में आया? क्या मानना चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर मंगल करने पर भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है, फिर भी वहाँ पर मंगल से विघ्न का ध्वंस तो होता है, क्या समझ है? हाँ, फिर भी जो ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है, एक तो ये मानना चाहिए कि विघ्न बहुत है, विघ्न बहुत है, अथवा मंगल करने के बाद भी आगे क्या विघ्न उत्पन्न हो गया, फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कर्मणाम गहना गति बोलते कि नहीं,
कौन सा कर्म कब फल देगा कहना कठिन होता है, अनंत कर्म होता है। हाँ, गीता में कर्म की गति बहुत गहना है, आप समझ में ना, ऐसे समझ लो। हाँ, ऐसा होता है। और जो देखो, चरम वर्ण ध्वंस हो गया ग्रंथ की समाप्ति, क्या है, चरम वर्ण ध्वंस हो गया ग्रंथ की समाप्ति, ये कार्य हो गया, बराबर है कि नहीं। अच्छा, और विघ्न का जो विघ्न का जो अभाव है, कौन सा अभाव कहते हैं आप, अभी विचार है ना, विघ्न का संसर्ग अभाव, मान लो विघ्न का संसर्ग अभाव हो गया, कारण आ गया क्या, हाँ ठीक है। तो देखो, विघ्न का संसर्ग अभाव कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा। विघ्न कहाँ रहता है, आत्मा में। विघ्न का अभाव कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा। और जो चरम वर्ण ध्वंस कहाँ रहेगा, वर्ण क्या है, शब्द है, वो तो आकाश में रहेगा। दोनों का अधिकरण एक हुआ नहीं हुआ, तो दोनों में कार्यकारण भाव कैसे होगा, किस किस में बताइए, चरम वर्ण ध्वंस और विघ्न का, मंगल की बात नहीं चल रही अभी, हाँ, विघ्न का संसर्ग अभाव, विघ्न का प्राग भाव, विघ्न का ध्वंसा भाव और विघ्न का अत्यंत अभाव, ये थे ना, इसको क्या बोलेंगे, विघ्न का संसर्ग अभाव कहेंगे। तो विघ्न का संसर्ग अभाव कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा कि नहीं। हाँ, और चरम वर्ण ध्वंस कहाँ रहेगा, आकाश में रहेगा। दोनों का अधिकरण एक नहीं हुआ, दोनों में कार्यकारण भाव कैसे होगा, नहीं वो तो मंगल को लेकर कहा था, अब भाई विघ्न का अभाव को लेकर कह रहे हैं क्या, 90 न्यायी लोग है ना, विघ्न ये तो मानना ही पड़ेगा, अत्यंत ये प्रतिबंध का अभाव को तो कारण मानते हो ना, प्रतिबंध का अभाव जो कारण कह रहे हो उसके ऊपर विचार है। हाँ, अब विचार करना है, देख लो, आत्मा में घटाना है, कहाँ पर घटाना है, आत्मा में घटाना है, ठीक है, आत्मा रूपी अधिकरण में है ना, चरम वर्ण ध्वंस रूपी जो कार्य है वो कैसे बैठेगा, वही पहले जो बताया था, क्या बताया बताइए, स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृत्रिमत्व संबंध, क्या है बताइए, अनुकूल कृत्रिमत्व संबंध से बढ़ जाएगा, स्व बराबर कौन, ध्वंस का प्रतियोगी चरम वर्ण का अनुकूल कृति कौन, कहाँ रहेगी, स्व बराबर ध्वंस, किसका ध्वंस, चरम वर्ण ध्वंस, उसका प्रतियोगी चरम वर्ण का अनुकूल कृति कहाँ रहेगी, कृति कहाँ रहती है, आत्मा में रहती है, कृतिमत हो गया आत्मा, कृतिमत्व कहाँ रहेगा, आत्मा में चला गया, कृतिमत्व संबंध से बैठ गया, कौन बैठ गया, चरम वर्ण ध्वंस बैठ गया, वर्ण नहीं, चरम वर्ण ध्वंस बैठ गया, इसी को समाप्ति कहते हो कि नहीं। और उस आत्मा में विघ्न का संसर्ग भाव किस संबंध से रहेगा, अभाव अपने अधिकरण में किस संबंध से रहता है, स्वरूप संबंध से रहता है, बस बैठ गया कि नहीं बैठ गया, आ गया पकड़ में, आया कि नहीं आया, ऐसा हाँ आश्रयता संबंध भी हो जाएगा, क्या आपत्ति है, वहाँ पर मंगल को लेकर बोल रहा था, किसको लेकर के, मंगल, लेकिन ये तो अभाव है ना, अभाव को बैठा रहे हो, स्वरूप संबंध से कहते हैं, आगे कि नहीं, कौन बैठेगा, संसर्ग अभाव हो गया कारण ना, किसके प्रति है, हाँ ये हो गया कार्य, चरम वर्ण ध्वंस हो गया कार्य,
अब विघ्न संसार का भाव हो गया कारण, कहाँ पर बैठाना है, आत्मा में बैठाना है, लेकिन स्वरूप संबंध से रहेगा। इसलिए विघ्न संसार का भावत्व न कारण होगा, विघ्न संसार का भावत्व न, विघ्न संसार का भाव हो जाएगा कारण, कहाँ पर रहेगा आत्मा में, और उसी आत्मा में चरम वर्ण ध्वंस भी रहेगा। किस संबंध से बताइए, स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृत्रिमत्व संबंध से बैठ जाएगा, इसलिए कार्यकरण भाव बन जाएगा। आगे ये समझ के रख लेना चाहिए, ठीक है रामेश्वर वा। हाँ कौन कारण है इतना बोलो, समझ में आ रहे थे पता है। कारण कौन हुआ, चरम ध्वंस है ना कारण, ये कारण है किसके प्रति, क्या समझ रहा है, सुन नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहे हो क्या, गाना सुन रहे हो लगता है। सुन रहा हूँ गुरुजी। तो फिर कौन कारण है, कहीं भजन 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 वगैरह चल रहा है, चलो सुनो म्यूट करो, सुनो म्यूट करो, ठीक से सुनो। चरम वर्ण ध्वंस तो समाप्ति है ना, ग्रंथ समाप्ति, चरम वर्ण ध्वंस को तो समाप्ति कहते हो, वो हो गया कार्य, आ कारण कौन, हाँ विघ्न संसार का भाव, विघ्न संसार का भाव मिलने से कितने कारण, कौन कौन, हाँ विघ्न का प्राग भाव, विघ्न का ध्वंसा भाव, विघ्न का आत्मा भाव, ये तीनों को बोलते हैं संसार का भाव है कि नहीं, ये कहाँ रहेगा आत्मा में, किस संबंध से रहेगा, स्वरूप संबंध से रहेगा। आगे समझ में, हाँ किसके प्रति कारण हुआ, चरम वर्ण ध्वंस के प्रति, चरम वर्ण ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में रहेगा, किस संबंध से रहेगा, स्व प्रतियोगी चरम वर्ण अनुकूल कृत्रिमत्व संबंध से रहेगा, कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, बस इतनी बात समझ में, कि चरम वर्ण ध्वंस को तो समाप्ति बोलते हो ग्रंथ की समाप्ति, ये हो गया कार्य, और विघ्न संसार का भाव हो जाएगा कारण, ये नवैराग्य बोलते हैं, हो गया। चलो अब समझ में आ गया होगा तुमको, हाँ ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गया, अब मंगलाचरण आया श्लोक में था कि नहीं, क्या था, नूतन जलधर रुचये गोप बुधुटे दुकुल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय, हो गया ना भाई। अब इसका विचार, मंगल का पूरा विचार हो गया, यहाँ तक मंगलवाद बोलते हैं, क्या कहते हैं, मंगलवाद, मतलब मंगल के ऊपर विचार हुआ, हो गया यहाँ पर। अब ये जो श्लोक कहा मंगलाचरण, ये मंगलाचरण किसका है, ये विश्वनाथ, हाँ विश्वनाथ है ना, कारिका का है, किसका है, हाँ नहीं कारिका के ऊपर मंगलाचरण है, पहले जो चूड़ामणि कृत वो किसके ऊपर है, मुक्तावली के ऊपर, आगे समझ में। चलो तो ये जो कहा जाता है, तो संसार महिरहस्य विजया बोल दिया, कह दिया ना यहाँ पर, संसार महिरहस्य जो बोल दिया है ना, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा समास होगा, ये विचार है। महिरोह क्या होता है, वृक्ष, महिरोह हो गया वृक्ष, संसार का समास कर रहा है महिरोह के साथ, कौन सा समास करना, भी तत्पुरुष करना है कि कर्मधारय करना है, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो क्या होगा, संसारे महिरोह, संसार में महिरोह, ये अर्थ निकलेगा, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, सप्तमी, और षष्ठी तत्पुरुष करने से तो क्या होगा, संसार महिरोहस्य, जो महिरोह जो वृक्ष है उसका कारण होगा भगवान कृष्ण फिर, और पूरे संसार का तो होगा नहीं, आ गया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया,
नहीं आया। अरे भी संसारे मोहिरहस्य कहेंगे, बोले संसार में जो मोहिरुह है, बोले संसार में जो वृक्ष है, हैं कार्य हुआ हो, हैं उस कार्य का कारण कौन हुआ? भगवान कृष्ण हुआ। तो पूरे संसार का तो नहीं हुआ ना फिर, यह अभिप्राय है। अथवा संसार से मोहिरुह कहेंगे तब भी वहाँ पर भी ये होगा, संसार संबंधी जो है ना कार्य मोहिरुह, उसका क्या होगा? कारण हुआ, पूरे संसार का तो हुआ नहीं फिर। आगे कि नहीं आगे, इसलिए क्या मानना चाहिए? कर्मधारा मान लो। क्या मान लेंगे? कर्मधारा। ये कह रहे यहाँ पर संसार मोहिर, संसार एव मोहिरुह, क्या समझ हुआ? कर्म मतलब संसारस चासो मोहिरुह इति संसार मोहिरुह, पकड़ में आगे नहीं आगे। क्या समझ हुआ? किस सूत्र से होता है? विशेषणम विशेषण बहुलम, इससे होता है लघु में ही सूत्र। विशेषण हो गया संसार और विशेष्य हो गया कौन? बहिरुह। आगे समझ मैंने, दोनों का अधिकरण एक होता है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, संज्ञा सूत्र होते ना, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, हो गया ना। तत्पुरुष घटक जो पद है, दोनों का अधिकरण, दोनों का हाँ अर्थ यदि एक हो, कहाँ पर? पदार्थ में, समस्यमान घटक पद हाँ तद्बोध्य जो पदार्थ हाँ यदि एक हो तो, यदि एक हो तो, आया समझ में ना? ये समझ में आया। चलो इसलिए कह दिया संसार एवं महिरुह कौन? वृक्ष। ये संसार रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष, ये अर्थ निकला, हो गया कि नहीं? हाँ, उसका जो बीज है, उसका जो बीज है, ठीक है। तो बीज मतलब क्या है भाई? बीज मतलब कारण, बीज मतलब यहाँ पर कारण। तो संसार बीज का अर्थ तो उपादान कारण होता है, क्या उपादान कारण तत्व तो नहीं है कहाँ पर? परमात्मा में हाँ, नया लोग है ना, इसलिए नया लोग तो परमाणु को मानते हैं उपादान कारण, इसलिए बीज का अर्थ क्या करेंगे? निमित्त कारण, है निमित्त कारण मानते हैं, ठीक है। इसलिए बोल दिया कि जो देख लो निमित्त कारणाय इत्यर्थ, निमित्त कारण को मानते हैं ये लोग, सुनते हैं ना, क्योंकि बीज का अर्थ समवायी कारण करोगे तो बीजत्व ईश्वर में है नहीं है, बाधित है। बीज का अर्थ समवायी कारण करोगे तो समवायी कारण तो है क्या ईश्वर में? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? परमाणु में समवाय कारण तो ईश्वर में तो है ही नहीं, आगे समझ में? अच्छा, लेकिन भाई ये जो नमः बोल दिया आपने, नमः कहने से कौन सा हुआ मंगलाचरण? नमस्कारात्मक हुआ। लेकिन ईश्वर यदि पहले सिद्ध हो तब तो उसका नमस्कार करोगे, ईश्वर को तो पहले सिद्ध करो, तो ईश्वर में क्या प्रमाण है फिर? ये तो कहना चाहिए ना, क्या है? ईश्वर में कोई प्रमाण हो तब तो मंगलाचरण करोगे ईश्वर का नमस्कारात्मक, नमस्कार नहीं तो किसको करोगे? ईश्वर कोई हो तब तो उसका नमस्कार करेंगे ना। ये ईश्वर के विषय में क्या प्रमाण है? बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण है। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे हो जाएगा? उसमें कोई रूप है ही नहीं तो हैं? जो अरूपी द्रव्य है उसका बाह्य प्रत्यक्ष होगा? बाह्य प्रत्यक्ष, बाह्य द्रव्य का प्रत्यक्ष के लिए क्या चाहिए? चक्षु के बाद नहीं, रूप चाहिए। क्या चाहिए? रूप चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है अरूपी द्रव्य का तो बाह्य प्रत्यक्ष होगा नहीं, इसलिए परमात्मा का प्रत्यक्ष कैसे होगा? फिर बोलते कि जो है वो मानस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? है ना, मन से भी प्रत्यक्ष होता है नहीं द्रव्य का, आत्मा का प्रत्यक्ष मानते हैं ना, तो आत्मा में कोई रूप है? दो प्रकार है कि नहीं, एक बाह्य द्रव्य एक आभ्यंतर द्रव्य। बाह्य द्रव्य के लिए प्रत्यक्ष के लिए क्या चाहिए? रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूप होना चाहिए, समझ में आया? क्या होना चाहिए? रूप प्रत्यक्ष के लिए,
में ना, कोई के वायु का ही प्रत्यक्ष मानते हैं, क्या मानते हैं, फिर भी वहाँ पर स्पर्श होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पर्श होना त्वगेन्द्र से, इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष तो होगा नहीं। बोलते हैं कि आभ्यंतर प्रत्यक्ष मान लो, मन से मानस प्रत्यक्ष मान लो, क्या, तो मानस प्रत्यक्ष का भी तो विषय तो अपनी आत्मा तो हो सकता है, क्या दूसरे का आत्मा आपके मन का प्रत्यक्ष होगा, नहीं होगा ना, अपनी आत्मा तो अपने मन का प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या है, दूसरी आत्मा, आत्मा को अनेक मानते हैं ना कि नहीं, और ईश्वर को तो मानते हैं जीव से प्रत्यक्ष अलग मानते हैं कि नहीं, इसलिए ईश्वर मानस प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा, आया समझ में, क्योंकि ईश्वर आपसे भिन्न है कि नहीं, क्या ईश्वर को कौन सा पदार्थ मानते हैं, क्या द्रव्य तो मानते हैं लोग, और क्या, ईश्वर में तो गुण है ही, द्रव्य तो ही हो, गुणवत्तम द्रव्य से लक्षण कि नहीं, द्रव संबंध ही है ना, आत्मा का क्या लक्षण, ज्ञानाधिकरण आत्मा है, फिर आगे सदिविद हो, क्या जीवात्मा परमात्मा जो कहा कि नहीं कहा, प्रत्यक्ष ये द्रव्य तो ही हो, चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का, हाँ समय हो रहा है अभी, ठीक है, इसलिए मानस प्रत्यक्ष होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो दूसरे मन के द्वारा प्रत्यक्ष तो होगा नहीं आ गया, बोले फिर अनुमान कर लेंगे, क्या कर देंगे, अनुमान करेंगे, अनुमान कैसे करोगे, कोई लिंग प्रमाण हो तो अनुमान करोगे, क्या कोई लिंग, अरे लिंग प्रमाण धूम हो तो तब अनुमान करोगे बनने का कि नहीं, तो अनुमान कैसे करोगे, हाँ हाँ आप समझ में, बोलेंगे नहीं जो वेद हो जाएगा प्रमाण, श्रुति प्रमाण हो जाएगी, हाँ ये तो वायुवाणी बताने जानती का, द्यावा भूमि जनयन का, परमात्मा ने द्यूलोक भूलोक को जन उत्पन्न किया, ये प्रमाण है श्रुति, अरे श्रुति कैसे प्रमाण हो जाएगी, ईश्वर के द्वारा उच्चरित है तब तो श्रुति प्रमाण है, अब ईश्वर का ही विचार हो रहा है, क्या ईश्वर के ऊपर ये संदेह है कि नहीं, हाँ जिसका संदेह अब चल रहा है उससे उच्चरित श्रुति से कैसे सिद्ध करोगे, किसको, ईश्वर को, आगे कि नहीं आगे, क्या जिसका संदेह है उसका उच्चर उच्चरित से कैसे सिद्ध करोगे भैया, ये इनका कहना है, बेटा कैसे सिद्ध होगा हाँ श्रुति किसके द्वारा उच्चरित है, ऐसा मानते ना ये लोग, श्रुति को ईश्वर के द्वारा उच्चरित मानते हैं, हाँ ईश्वर के द्वारा उच्चरित से है ना, जो पहले संदिग्ध है उससे उच्चरित वाक्य से उसको कैसे सिद्ध करोगे, आ गया, इसलिए कोई प्रमाण तो है ही नहीं भाई तो नमस्कार किसको करते हो फिर, आ गया समझ में, ये विचार यहाँ पर ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।